मोदी की वकालत पर हुई फजीहत, अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आएगा तो मोदी ही। यूजर्स बोले, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जी हाँ, अनुपम खेर सत्ता के भक्त हैं, ये बात उन्होंने खुद ही साबित कर दी है। कोरोना संकट के दौर में भी उन्हें मानवीय संवेदनाओं और पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। अनुपम ने शेखर गुप्ता की एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सरकार की आलोचना जरूरी है, उन पे तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि जनता ने उनकी खैर खबर किस तरह ली होगी। बात शुरू हुई थी शेखर गुप्ता के ट्वीट से, जहां उन्होंने लिखा था, 60 के दशक के बच्चे के रूप में मैंने हर मुसीबत देखी, 3 युद्धों के साथ अकाल जैसी आपदाएं भी देखी। ये विभाजन के बाद देश पर आया सबसे बड़ा संकट है और देश ने भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई सरकार ऐसे दौर में एक्शन लेने में चूक गई हो। कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई जवाबदार नहीं, यह पूरी तरह से हारी हुई सरकार है। अनुपम को शेखर की यह बात बुरी लगी, लेकिन इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने जो लिखा वह देशवासियों को और उनके फैंस को भी पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, अगर आप में हिम्मत है तो किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ये चिल्लाओ कि आएगा तो मोदी ही, लोग आपको बता देंगे कि कब आएगा। एक अन्य यूजर ने लिखा, अनुपम खेर अब कंगना रनौत का मेल वर्जन बन रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बेशर्मी का नोबेल पुरस्कार मिलने लगे तो अनुपम खेर का नाम सबसे पहले आएगा। पोस्ट करने के 24 घंटे बाद और बुरी तरह बेइज्जती होने के बाद भी यह उनकी फॉल पर बनी हुई है। फिल्म मीडिया से शिवानी सिंह की रिपोर्ट।